Good morning students, today is 24th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 14th lecture on topic number systems. So students, in today's lecture we will discuss some concepts regarding laws of exponents. As in the last lecture we have already covered exercise 1.5 NCERT. So now before discussing next exercise, at first we will discuss some concepts regarding exponents and laws of exponents. Okay, so see, expression of the form a power b, a raised to b, is known as exponential form, exponents, some base to the power something, a power b or a raised to b we will call. So here we can see, suppose I am considering a fixed base a and power is x here. मान लो बेस फिक्स है और पावर तुम्हारा x है. तुम बेस को कुछ भी ले रहे हो, 2 पावर x ले रहे हो, 3 पावर x ले रहे हो, 4 पावर x ले रहे हो. ओके, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस बेस एज ओके माइनस टू. सो व्हाट विल हैपन व्हेन विल कंसिडर बेस एज माइनस टू. तो अगर तुम बेस को माइनस टू ले लेते हो, तो यहाँ पर अगर x की हम कोई सा वैल्यू लेते हैं, सपोज x कोई रियल नंबर है और x की वैल्यू मैंने हाफ ले लिया, तो ये कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू. तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव चीज़ आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट रियल, ये रियल नहीं है, नॉट रियल. इसका मतलब है कि हम जो भी बेस लेंगे वो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. वो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. सो बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. पहली बात तो आप ये याद रखें कि जो हमारा एक्सप्रेशन है a पावर x, दिस इज a टू द पावर x, ऐसा भी इसको बोला जाता है, a टू द पावर x. इस एक्सप्रेशन में a ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा, a ग्रेटर देन जीरो होगा. a को बेस बोलते हैं, बेस शुड बी पॉजिटिव. एंड जो x है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है. ये मैंने एक नया साइन यूज़ कर दिया है, आप इसको अभी नहीं जानते होगे तो आप लिखना x इक्वल्स टू रियल नंबर. कोई सा भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, x इक्वल्स टू है रियल नंबर. ओके, तो पहली बात तो ये होगी कि बेस के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि बेस हमेशा पॉजिटिव होगा. चलो अब हम लोग कुछ यहाँ पर रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, ऐसे फॉर्मेट्स पर कुछ लॉज होते हैं, हम लोग उनको देखेंगे. जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट लॉ लिखा a पावर m इंटू, डॉट का मतलब इंटू होता है. तुम चाहो तो अभी ये भी साइन यूज़ कर सकते हो, हायर क्लासेस में डॉट यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो a पावर m इंटू a पावर n है. अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं. अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको समझने के लिए एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने a को ले लिया 2 और m है 3, 2 पावर 3 इंटू ए को, ए तो फिक्स रखना है 2, n को मैंने ले लिया 2, तो 2 पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा ये. और कहा जा रहा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर, a तो 2 है, यहाँ पर 2 है, पावर m प्लस n मतलब पावर 3 प्लस 2. तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए. तो 2 पावर 3 कितना हुआ, 8, और 2 स्क्वायर 4, तो 8 इंटू 4 कितना बनेगा, 32. ठीक है ना, इधर क्या लिखा है, 2 पावर 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 बना 5, तो 2 पावर 5 कितना हुआ, 32. ठीक है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए. तो हम लोग एक्सपोनेंट के लिए ये रूल यूज़ करेंगे, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n. कहीं पर भी, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कहीं पर 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4 प्लस 5. समझ गए ना, कहीं पर लिखा हुआ है x स्क्वायर
और इनटू एक्स क्यूब, तो बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इस रूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इंटू ए पावर जेड, कितना भी लिखा हो, ए पावर यू, ए पावर वी, बहुत सारे। अगर बेस सेम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही लिखा हो, कई सारे लिखे हों, सब मल्टीप्लिकेशन में हैं, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो तुम्हारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो बेस को कांस्टेंट रख के पावर्स को ऐड कर देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी। बात समझ में आ गई? तो जनरली छोटा क्वेश्चन है तो दो टर्म होंगे, बड़े क्वेश्चन है तो उसमें इस तरीके से भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर टू, मान लो अब हमें लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, ए पावर एम बाई ए पावर एन, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं ए, बेस सेम है, न्यूमिनेटर के पावर को पॉजिटिव रखना है और डिनोमिनेटर को माइनस कर देना है, एम माइनस एन, समझ गए? ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, ए पावर एम माइनस एन। पहले तो हम इसे समझ लें क्या है। मान लो हमने लिया ए को थ्री, यहाँ एम को कुछ रख लिया, थ्री क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर, तो ये आ जाना चाहिए ए पावर एम माइनस एन, थ्री पावर थ्री माइनस टू, तो थ्री क्यूब कितना हुआ, 27 अपॉन ये कितना बना, 9। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, थ्री। तो राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, थ्री पावर थ्री माइनस टू दैट इज़ थ्री पावर वन इक्वल्स टू थ्री, फिर दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स अगर ए पावर एम अपॉन ए पावर एन है तो हम उसे ए पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, थ्री की जगह फोर फाइव सिक्स सेवन, एनीथिंग। तो ये एक रूल है, इसको हमें याद रखना है। जैसे कि मान लो अब अगर फर्स्ट और सेकेंड रूल को हम मिक्स कर दें, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ इस तरीके से कि ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई, अब इसको भी ए ले लेते हैं, एक मिनट, ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई अपॉन, या मैं लिख देता हूँ ए पावर जेड इंटू ए पावर डब्लू, ठीक है? और हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमेरेटर पर बेस सेम है तो इनके पावर्स को ऐड कर लेते हैं। रूल नंबर वन, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। डिनोमिनेटर में बेस सेम है, पावर ऐड कर लो। अब हम लोग इसको कुछ ऐसा समझें कि ये लिखा है ए पावर समथिंग अपॉन ए पावर समथिंग, तो ये रूल नंबर ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, आप समझो कि एक्स प्लस वाई एम है और जेड प्लस डब्ल्यू एन है, तो उसको क्या लिखते हैं, ए पावर बेस सेम है तो न्यूमिनेटर को प्लस साइन से, देखो न्यूमिनेटर पर पावर एम है तो प्लस साइन से है, डिनोमिनेटर के पावर्स को माइनस साइन से, तो माइनस डिनोमिनेटर पर क्या पावर लगा है, जेड प्लस डब्लू। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलो एक और रूल देखें, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर ए पावर एम और उस होल पावर एन है, या फिर इस एन को अंदर ले आए एम को बाहर कर दें, या फिर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दें, एम इंटू एन कर दें, तो ये रिजल्ट ट्रू होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो हमने लिया टू, एम को थ्री और फिर पावर टू, फिर मैंने दोनों पावर को एक्सचेंज कर लिया, टू को अंदर और पावर थ्री को बाहर भेज दिया, तो फिर ए पावर एम इंटू एन, तो एम और एम क्या है, थ्री और एन है टू, तो एम इंटू एन, तो ये तीनों ही इक्वल हो जाने चाहिए, तो टू क्यूब कितना है, एट, एट स्क्वायर, ये कितना बना, टू स्क्वायर फोर, तो फोर पर पावर थ्री है और ये टू और थ्री इंटू टू सिक्स है, तो ये तीनों सेम हो जाने चाहिए, एट स्क्वायर 64, फोर क्यूब 64 होता है, टू पावर सिक्स 64 है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कि तीनों ही इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये रूल हमें यहाँ पर वैलिड होता हुआ दिख रहा है, ये ट्रू है, तो इसको हम लोग आगे एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।
चलो एक दो रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये रूल नंबर 4, अगर इस तरीके से लिखा है ए पावर एम इंटू बी, ठीक है, अगर हमें लिखा है ए पावर एम इंटू बी पावर एन, ए पावर एम इंटू बी पावर, इसका भी पावर सेम कर देते हैं एम ऐसे। एक तो तुमने सेम बेस पर देखा था डिफरेंट पावर, और एक डिफरेंट बेस पर सेम पावर, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, तो इसको एक साथ हम लोग ए इंटू बी, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर एम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ लिखा है कुछ 2 स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 3 स्क्वायर, तो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनको हम लोग एक साथ 2 × 3 लिख करके भी अलग से एक पावर लगा सकते हैं, होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 × 3 6, उस पर स्क्वायर लगाए ऊपर, ये कितना है 36 इक्वल्स टू 36। तो ये रूल यहाँ पर हमें रियलाइज होता हुआ दिख रहा है, अगर बेस सेम होता है तब तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, और बेस डिफरेंट हो तो उन पावर्स को बेस को मल्टीप्लाई करके एक साथ आप दिखा सकते हो ए इंटू बी पावर एम। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब क्या है, तो अब हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे बेस है ए पावर सपोज बी है, तो तुम्हें तो पता ही है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेस शुड बी पॉजिटिव। बेस कैसा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मान लो अब हमें ये समझना है कि अगर बेस पावर 0 कर दें, बेस कुछ भी लिखा है, कोई भी अननोन नॉन जीरो नंबर, पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, उस पर पावर 0 कर दें, ए पावर 0 कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, ½ पावर 0 1, समझ गए। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा भी हो, 2/3 पावर 0 1, तो ये आप याद रखेंगे, ए पावर 0 1 होता है। अब इसको यूज़ करके मान लो कहीं पर लिखा है ए पावर 0/a³, तो एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा है ए पावर 0 तो 1 होता है, 1/a³, ठीक है। अच्छा, हम लोग ए पावर 0/a³ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर, तुम जो एक रूल लगाओगे ए पावर m/b, ए पावर m/a⁴n, ए पावर m/a⁴n इज ए पावर m-n, तो m क्या है 0 और n क्या है 3, तो इसको 0-3 लिखेंगे, याद आया। ए पावर m/a⁴n क्या लिखते हैं, ए पावर m-n, तो इसको लिख दिया ए पावर m/a⁴n, तो ए पावर 0-3 मतलब ए पावर -3 -3। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए पावर -3 को इसके इक्वल या इसके इक्वल लिखा जा सकता है, तो 1/a³ लिख सकते हैं, समझ गए। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं रूल नंबर, इसको 4 बोला, इसको 5 बोल लो, इसको रूल नंबर 6 बोल लो, अगर ए पावर, यहाँ पर सपोज मैं कुछ लिखता हूँ -x, ए पावर -x, तो इसको 1/a⁴x लिख सकते हैं, 1/a⁴x लिख सकते हैं। ओके, अभी तुमने यहाँ पर समझाया कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, आप इन रूल्स को रिवाइज़ करना, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।